दोस्तों आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए जिनका TCS मेट सिलेक्शन तो हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ है, लेकिन उनको अभी तक ऑफर लेटर नहीं मिला है, उनको अभी तक ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली है। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले और जानने वाले कि एग्जैक्टली वो कौन से रीजन है जिस वजह से आपको शायद यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट नहीं मिली है या फिर आपको ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों TCS इंटरव्यू की कहानी, इसके बारे में मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बात की थी TCS इंटरव्यू कैसे होता है, वहाँ पे एप्टीट्यूड कैसे होती है, एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मैनेजमेंट राउंड कैसा होता है, यहाँ पे मैनेजर राउंड कैसा होता है, आपकी बोल सकती है HR राउंड कैसे होता है, और बहुत सारे सवालों के बारे में वहाँ पे मैंने बात कर दी। अब देखो इंटरव्यू तो सब लोगों का हुआ था, लेकिन बहुत एक बड़ी बात आई थी कि यहाँ पे लोगों का इंटरव्यू होने के बाद लोगों को ज्वाइनिंग नहीं आई थी और कुछ लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे ऑफर लेटर नहीं मिला था। हम देखो TCS का प्रोसीजर कैसे होती है कि जैसे ही आपका इंटरव्यू क्रैक होता है, यानी आप इंटरव्यू में सक्सेसफुली प्लेस हो जाती हो, तो उसके आपके लगभग 7 या 8 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वहाँ पे 1 महीने के अंदर प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलता है कंपनी की तरफ से। TCSnextstep.com के ऊपर वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर उनके बहुत सारे सेक्शन है, वहाँ पे आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आता है, प्लस आपकी ईमेल आईडी, जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर किया करते हो, उस ईमेल आईडी के ऊपर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आता है। अब देखो प्रोविजनल ऑफर लेटर आने के बाद उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है, और उसके बाद आपको जितने जल्दी हो सके वो आपको ऑफर लेटर देते हैं। नॉर्मली प्रोसीजर तो यही होती है उनकी, लेकिन यहाँ पे कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि प्रोविजनल ऑफर लेटर होने के बावजूद भी, 2 महीने पहले आने के बावजूद, उसे एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग डेट नहीं मिलती या फिर कंपनी की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो लोग बोलते हैं कि अक्सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, शायद कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया या फिर ऐसा कुछ चीज़ हुई जिस वजह से मुझे कंपनी ने यहाँ पे निकाल दिया। तो लोग दोस्तों ऐसा चीज़ नहीं है, कंपनी अगर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर भेज रही है तो उसका मतलब कंपनी आपको लेने वाली है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात होती है यहाँ पे कि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा ये कंपनी को भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये IT कंपनी जो होती है जैसे कॉग्निजेंट, इंफोसिस, TCS, ये जो कंपनीज होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर चलती है, उनके पास क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स यानी बाकी के जो बोल सकते हैं कंपनीज होती है, बाकी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होती है वहाँ पे उनके काम करने के लिए TCS अपने अंदर एम्प्लॉयज हायर करती है। सब फॉर एग्जांपल हम जान लेते हैं कि इंडिया का पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट निकालने का काम यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया तो करती है, लेकिन उसके साथ उन्हें सपोर्ट देता है यहाँ पे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी पासपोर्ट निकालने का काम TCS के लिए प्रोजेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका क्लाइंट हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सैलरी देगा या फिर उनको TCS को कुछ पैसे देगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, जिस मदद से यहाँ पे हो सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे पासपोर्ट निकालने का काम TCS करेगी फॉर इंडिया कंट्री। यानी इंडिया में जितने भी सारे लोग जिन्हें पासपोर्ट चाहिए, बैकग्राउंड में काम सिर्फ TCS करेगा, नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। उसी तरह से बहुत सारे क्लाइंट्स होती है IT कंपनीज के साथ, TCS जो कि वर्ल्ड की लीडिंग IT कंपनी मानी जाती है, और IT इंडस्ट्री में यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा शेयर्स या फिर बहुत ज़्यादा कैपिटल TCS का है, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल टोटली TCS का है, यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है TCS, और इस वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होती है TCS के पास, और इस वजह से जैसे ही प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है वो धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ को हायर करती जाती है। अब देखो इनका सिक्वेंस कैसे होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर ये हमेशा रिक्रूटमेंट करती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस से भी ज़्यादा ये बोल सकते हैं डिपेंडेंट होती है कैंडिडेट के यहाँ पे रेफरेंसेस, कैंडिडेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हैं कैंडिडेट के मार्क्स वगैरह, कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यानी बहुत सारी चीज़ें देखती है, उसके बाद ही वो आपको ऑफर लेटर भेजती है। अब देखो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जून में इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बहुत लोगों को पसंद आया, 8-10 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को भी देखा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई सेक्शन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप वीडियो देख लीजिए। अगर आपको TCS में अभी भी इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनका सिलेक्शन तो हो चुका है लेकिन उनको अभी तक यहाँ पे ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो प्लीज़ डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन उन्होंने किया है तो आपको वो कभी भी यहाँ पे बुला सकते हैं। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई अगर सिलेक्शन हुआ है, मुझे ऑफर लेटर आने वाला है, तो मैं क्यों उनके भरोसे, मैं क्यों बाकी जॉब के लिए जाऊँ। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस रहने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इतना बड़ा बोल सकते हैं ट्रबल आया है, इतना बड़ा यहाँ पे तूफान आया है, उसी तरह से क्या पता IT इंडस्ट्री के पास भी आ सकता है। तो इस वजह से प्लीज़ ऐसे डिपेंडेंट मत रहिए एक इंडस्ट्री के ऊपर, एक कंपनी के ऊपर। अपने पास ऑप्शंस रखिए,
करके अगर आपको टीसीएस में सिलेक्शन हुआ है लेकिन आपके गांव में या फिर आपके सिटी में, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से बिलोंग करते हैं जैसे मुंबई, पुणे, दिल्ली या फिर बहुत सारी सिटीज इंडिया में, ऐसे सिटीज़ में कुछ लोकल कंपनीज़ होती है, आईटी कंपनीज़ होती है, लोकल फार्मा कंपनीज़ होती है, लोकल फार्मा स्टोर्स होती है, ऐसे जगहों पर बहुत सारे लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। तो ऐसे केस में जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं आता तब तक वहाँ पर काम करो, उसके बाद जैसे ही ऑफर लेटर आता है तो वो जॉब छोड़ दो और टीसीएस के लिए ज्वाइन हो जाओ। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टी सी एस का वेट करते करते अपना साल भर पूरा निकल जाए और आपको ऐट द एंड लगे कि भाई मैंने टी सी एस की वजह से मेरा पूरा एक साल बर्बाद किया। क्योंकि टाइम जाता है, टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, आपके लिए भी नहीं रुकेगा, मेरे लिए भी नहीं रुकेगा। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपके लिए एक ऑप्शन रखो, उस ऑप्शन को ज्वाइन कर लो। जैसे टी सी एस का ऑफर लेटर आता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ज्वाइन कर लो। अब देखो यहाँ पे प्रोविजनल ऑफर लेटर भी अभी तक आपको नहीं आया है, आपको सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपके जाने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि प्रोविजनल ऑफर लेटर होता है जो डॉक्यूमेंट फॉर्म आपके आपके पास आता है उसमें बोल सकते हैं एग्रीमेंट होती है, कंपनी की तरफ से आपको कंफर्मेशन दिया जाता है कि आपको लिया जाएगा। लेकिन कब लिया जाएगा ये कंपनी अपने आप डिसाइड करती है, लेकिन जल्दी वो आपको बुलाते हैं। लेकिन प्रोविजनल ऑफर अगर आपको लेटर नहीं आया तो दूसरी कंपनी के लिए प्लीज जाओ। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप डिपेंडेंट रहो, क्या पता टीसीएस ने आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल कर दिया हो, तो इस वजह से प्लीज़ बाकी कंपनी के लिए ट्राई करो। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई अच्छी से कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।